नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। वीडियो पे क्लिक करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक आपके स्मार्टफोन के बारे में। मतलब कि देखिए, कोई भी आपका फ्लैगशिप लेवल का अगर स्मार्टफोन होता है तो उसके लॉन्च के पहले जो उसके लीक्स होते हैं, जो रूमर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो एक तरीके की एक्साइटमेंट या फिर जो हलचल होती है ना मार्केट में, उसी के बारे में। लेकिन जो आपका डिवाइस है ना, तो डिवाइस का आपका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S11 या फिर आप कह सकते हो सैमसंग की जो एस सीरीज है उसके बारे में। तो देखिए, अगर बात करते हैं हम आपके सैमसंग गैलेक्सी S11, S11 प्लस और उसी के साथ में जो उनका एक छोटा वेरिएंट आता है सैमसंग गैलेक्सी S11 ई के बारे में, तो देखिए इसमें बेसिकली दो आपके पहलू हैं जी। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल और बैक पैनल की, तो देखिए फ्रंट पैनल और बैक पैनल की अगर मैं बात बताऊं तो फ्रंट पैनल आपके डिवाइस का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी नजर उसके ऊपर जाती है। तो उसमें जहां तक है आपको एक HD स्क्रीन देखने को मिल सकती है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S6 के वेरिएंट पे आपकी सबसे पहले लॉन्च हुई थी, और इतने समय पे तो आपकी काफी ज्यादा डिवाइसेस पे अवेलेबल है, खासकर आपके हुआई के डिवाइसेस पे। तो एजनेस आपको देखने को मिल सकती है स्क्रीन में, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की आपकी लीक्स में दिख रही है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि बॉडी में आधी आपकी एज स्क्रीन हो और आधी आपकी बैक पैनल वाली बॉडी हो, लेकिन इतनी नहीं कि पूरी की पूरी आपकी कर्व स्क्रीन हो। तो ये है आपके फ्रंट पैनल की बात। और अगर बैक पैनल की बात करते तो देखिए, बैक पैनल में सेम ही आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी, मतलब कि जैसा कि आपके सारे के सारे सैमसंग डिवाइसेस पे अभी तक अवेलेबल है। लेकिन जो आपका ट्विस्ट वाली बात है, मतलब कि जो अलग चीज है, वो ये है कि इसमें आपको जो बैक पैनल में कैमरा का डिजाइन है ना, अभी तक आपने सर्कुलर देखा होगा और उसी के साथ में आप स्क्वायर भी देखा होगा, जैसा कि आपका आईफोन और फिर पिक्सल 4 के डिवाइसेस पे अवेलेबल है। लेकिन इसमें आपका एक रेक्टेंगुलर कैमरा का डिजाइन है, और वो रेक्टेंगुलर कैमरा के डिजाइन के अंदर जहां तक आपका पेंटा, क्वाड या फिर ट्रिपल कैमरा के सेटअप हो सकते हैं। फिर इसी के बाद में अगर हम बात करते हैं इसके मेन की स्पेसिफिकेशंस की, या फिर आप कह सकते हो कि रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस की जी, तो देखिए सबसे पहला आपका स्पेसिफिकेशन जो निकल के आता है वो आता है आपका डिस्प्ले। तो देखिए, डिस्प्ले की अगर मैं बात बताऊं तो आपके जितने भी मार्केट में अभी डिवाइसेस अवेलेबल है ना, मतलब कि रियलमी का X2 प्रो हो गया या फिर आपके OnePlus 7T7 Pro हो गया, तो इन डिवाइसेस पे कॉमनली जो आपको स्क्रीन का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट मिलता है वो क्या है, 90Hz का डिस्प्ले। और जहां तक आपके लीक्स या फिर रूमर्स है, तो अगर आपका सैमसंग के S11 या फिर S11 प्लस पे 120Hz का आपका डिस्प्ले पैनल आ जाता है, तो ये काफी ज्यादा तहलका मचाने वाली बात होगी आपके फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस में इतने समय पे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो देखिए सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में एकदम सॉर्टेड है। आपका सैमसंग का वन UI मिलता है जो कि इनके प्रीवियस वाले UI से काफी ज्यादा बेटर है, बेस्ड ऑन Android 10, और अब तो उसका सेकेंड वर्जन भी आ गया, मतलब कि एक सैमसंग वन UI 0.2 करके आ गया, तो काफी ज्यादा सही है आपका सैमसंग का वन UI। पर उसके बाद में तीसरी अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो भाई देखिए आपका जो कैमरा है, तो देखिए कैमरा के डिपार्टमेंट है आपका, जैसा कि फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात बताऊं तो पिछले साल के जो आपके सैमसंग गैलेक्सी S10 या फिर S10 प्लस थे, तो इन डिवाइसेस पे आपको राइट हैंड साइड पे एक पंच होल कटआउट और या फिर आपका डुअल पंच होल कटआउट देखने को मिला था। लेकिन इस बार आपके S11 और S11 प्लस पे जहां तक है सिर्फ और सिर्फ आपका मिडल में, सेंटर में टॉप के साइड पे सिर्फ आपका कटआउट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बैक पैनल के कैमरा की, तो वो सेम है, रेक्टेंगुलर कैमरा का डिजाइन होने वाला है S11 प्लस में, S11 में और S11 ई में रेस्पेक्टिवली। अगर एक बार अरेंज करके बताऊं तो S11 प्लस में आपका बेसिकली एक पेंटा कैमरा का सेटअप हो सकता है, एक क्वाड कैमरा का सेटअप हो सकता है और एक आपका ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। पर अगर बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, तो देखिए मैक्स टू मैक्स रैम आपको एक 12GB रैम का वेरिएंट देखने को मिल सकता है, और एक टीबी के अराउंड आपको स्टोरेज मैक्स टू मैक्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि इनकी नोट की सीरीज पे भी अवेलेबल है। अब लास्ट में एक बार हम अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर और बैटरी की, तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, तो देखिए प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए आपका जो सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस आते हैं ना, तो बेसिकली इनके दो वेरियंट्स आते हैं, एक आपका आता है एक्सिनोस वाला मॉडल, एक आता है आपका स्नैपड्रैगन वाला मॉडल। अब इसमें जो बात है वो इस तरीके से ये है कि सैमसंग एक्सिनोस का एक फ्लैगशिप, मतलब कि एक नया मॉडल एक नए चिपसेट के साथ में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद में जो आपका स्नैपड्रैगन वाला है, तो स्नैपड्रैगन वाले में क्या आपको 865 का प्रोसेसर मिलेगा नया लॉन्च होते ही, या फिर आपको पुराना स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि वो भी आपका रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। तो ये एक पॉइंट वाला बात है कि 865 लगेगा या फिर आपका 855 प्लस लगेगा। हालांकि आपकी 98% चांसेस यही है कि स्नैपड्रैगन 865 ही लगेगा, लेकिन अगर 855 प्लस आपका 11 ई पे लग जाता है तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी आपके और हमारे लिए। पर उसके बाद में अगर हम बैटरी की भी बात करते हैं, तो देखिए बैटरी में एक्सपेक्टेड है कि 4000 mAh की बैटरी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट है,
पॉइंट ये है कि बाकी जितनी भी ब्रांड्स है ना, तो बैटरी की कैपेसिटी तो ज़्यादा दे रही हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने की भी जो फास्ट चार्जिंग वाली कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा दे रही है। जैसे कि रियलमी एक्स टू प्रो, वो आपका 4000 mAh का डिवाइस चार्ज होता है 35 मिनट के अंदर 0 to 100। तो अगर ऐसा और उसी के साथ में अगर वायरलेस भी इस डिवाइस या फिर मतलब इस 11 प्लस के साथ में भी आ जाए तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन उसके आने तक जो भी इनके लीक्स हैं, रूमर्स हैं या फिर जो आपके इनके कन्फर्म स्पेक्स होंगे, उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड एन्जॉय। जी देखिए, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक टेक्नोलॉजी के बहुत ही अच्छे पीस के बारे में, मतलब कि एक पीस ऑफ टेक है आपका उसके बारे में, और उसे मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा, मतलब दिखाऊँगा ही एक्चुअली मैं, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। टिल देन पीस।